फ्रेंड देख लीजिए, सेल का रिक्रूटमेंट निकल आया है। अगर आप सेल में अप्लाई करने का इंतजार कर रहे थे तो इंतजार आपका खत्म हो गया है। इन्होंने आवेदन ऑनलाइन निकाल दिए हैं। अब सेल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भारत में जितना भी स्टील का उत्पादन होता है वो सेल ही करता है। अब इसके बारे में थोड़ा परिचय अगर आपको बता दें तो इसमें भिलाई में स्टील प्लांट है इनका, बोकेरो में स्टील प्लांट है, दुर्गापुर में स्टील प्लांट है, राउरकेला में स्टील प्लांट है, इसी तरह इसको स्टील प्लांट है, स्पेशल स्टील प्लांट है, और चंडीगढ़, चंदारपुर, इस तरह इनके कई स्टील प्लांट है। लेकिन ये वैकेंसी इन्होंने राउरकेला स्टील प्लांट के लिए निकाली है। अब देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं, क्या इनकी सैलरी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और कैसे आपको अप्लाई करना है, और क्या लास्ट डेट है। राउरकेला यूनिट के लिए जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है उसमें ऑपरेशन कम टेक्नीशियन इनको चाहिए, 20 वैकेंसी निकाली है। वहीं ऑपरेशन कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर चाहिए S3 ग्रेड में, ठीक है, इसमें 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 25 वैकेंसी है, फिटर की 28 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 10 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की 4 वैकेंसी है, वहीं पर IT फॉर माइंस के लिए 3 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें SC ST OBC EWS जनरल और PWBD कैंडिडेट सबके आधार पर वैकेंसियों का वितरण किया गया है, वो आप पूरा डिस्कशन में देख लीजिएगा। अब आपको मेन बात बता दें कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। अगर आपने टेंथ किया है और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 18 से 30 साल इन्होंने एज रखी है S3 ग्रेड में, ठीक है, ऑपरेशन कम टेक्नीशियन आप बॉयलर के लिए। वहीं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 18 से 28 इन्होंने एज लिमिट रखी है, और आपके पास 50% डिप्लोमा में होने चाहिए अगर आप OBC या EWS कैंडिडेट हैं या जनरल कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल डिप्लोमा में, ठीक है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 18 से 28 साल रखी है, और इसमें ये ITI मांग रहे हैं 10th के साथ। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है ये डिप्लोमा और ITI वालों के लिए, और कोई भी संशय नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है ये, ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अब S3 ग्रेड में देख लीजिए, 10 लाख तक का आपको पैकेज सालाना मिलेगा। वहीं S1 ग्रेड में भी 10 लाख तक यानी 9.9 लाख तक का आपका सालाना सैलरी रहेगी, यानी कि आपकी सैलरी जो बनेगी वो तकरीबन 80 से 90 हजार के बीच पर मंथ जो बनेगी आपकी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो ये CBT करवाएंगे हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, ठीक है, और CBT में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50 टेक्निकल नॉलेज में होंगे और 50 जनरल अवेयरनेस में होंगे। 90 मिनट की CBT होगी, ठीक है, उसके बाद CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा क्या फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने रखे हैं कि इतना आपको फिजिकल होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा। तो ये पूरा देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, 150 इन्होंने SC ST के लिए रखी है, वहीं 500 फीस जनरल के लिए रखी है, और ट्रेनिंग के लिए 300 रुपये फीस है जनरल OBC EWS के लिए, वहीं 100 रुपये फीस है SC ST के लिए। अब इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है इसकी 16 दिसंबर, 20 दिसंबर से इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और 16 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। तो चैनल पर आप पहली बार आए और आपको लगता है कि रेगुलर अलर्ट आपको गवर्नमेंट जॉब के इस तरह मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।